स्टूडेंट्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड. टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3. ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, मतलब 1 और 3 सॉल्व करूँगा, क्योंकि पहले प्लस वाले क्वेश्चन सब देख लेते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखो. मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन लिया. यहाँ पे कुछ नंबर्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है. अभी यहाँ पे 4 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस करने पे 5 आना चाहिए. तो डिवाइड किया तो 4 × 1 = 4 होता है. इन दोनों को प्लस किया तो कितना आंसर आता है, 5 आता है. तो 5x की जगह पे 4 और 1 लिखने का. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4, राइट? ऐसे तो 5x की जगह पे क्या किया, 4x और 1x लिखा. अब इन दोनों के ग्रुप में लो, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4. इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 1 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 4, करेक्ट? तो x प्लस 4 एक साइड लिख लिया और x प्लस 1 एक साइड लिख दिया, हो गया. ऐसे सॉल्व करना. अब ये क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. ये क्वेश्चन पे 12 लाना है और प्लस करने पे 8 आना चाहिए. तो 12 लाने के प्लस करने पे 8 आना चाहिए. तो 2 × 6 = 12 और 2 और 6 को प्लस किया तो 8 आता है. तो वाई स्क्वायर प्लस 8y की जगह पे 2y और 6y लिखो. 2y प्लस 6y प्लस 12. इन दोनों का ग्रुप लिया, इसमें y कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 2. इन दोनों में 6 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 2. 6 × 12 होता है. तो y प्लस 2 सेपरेट हो गया एंड y प्लस 6 सेपरेट हो गया. इस तरह से इसको और बढ़ा सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू माइनस 6. माइनस 2 और माइनस 6, ओके. थर्ड क्वेश्चन मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूँ वो बुक का सॉल्व करूँगा. एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 ये बुक का क्वेश्चन है. 18 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि प्लस करने पे 9 आना चाहिए. तो 6 × 3 = 18, प्लस करने पे 9 आ रहा है. 6 + 3 = 9 किया. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18. 6x और 3x लिखा 9x की जगह पे. इन दोनों में कॉमन लिया x, तो बचेगा क्या, x प्लस 6. इन दोनों में 3 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6. तो x प्लस 6 सेपरेट हो गया, x प्लस 3 सेपरेट हो गया. x का वैल्यू माइनस 6 और x का वैल्यू माइनस 3. ये दोनों आंसर है, ओके. देन स्टूडेंट, दिस 5 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एज अ होमवर्क फॉर टुडे अलॉन्ग विद द प्रीवियस क्वेश्चन. मैंने जो सॉल्व किया, इसके अलावा आपको ये 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है एज अ होमवर्क. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.